वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय चैनल इन सुपरमॉम प्रियंका। तो आप सब कैसे हैं ज़रूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आज है संडे, तो आज अभी तो फ़िलहाल धूप निकल चुकी है। सुबह जब मैं उठी थी तो बहुत बारिश हो रही थी, तो मुझे लगा पूरा दिन ही बारिश होगी, बट वेदर बहुत अच्छा हो गया है, धूप निकल चुकी है। और आज का सुबह का रूटीन है कि मैं सुबह 5 बजे एज़ यूजल जैसे उठती हूँ, 4:30 से 5 बजे वैसे उठी थी। और एज अ मदर आपको पता है कि संडे हो या मंडे मेरा टाइमिंग फिक्स रहता है कि मुझे सुबह उठना है जल्दी और काम वाम करना है, और उसके साथ साथ वीडियो भी बनाने हैं, वीडियो अपलोडिंग भी करना है। तो मैंने अभी रिसेंटली, अभी देखिए मेरे पीछे का कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने अपना गेट रेडी विथ मी फॉर रक्षाबंधन का वीडियो शूट कर लिया है और उसे मैंने अपलोडिंग में बिठा दिया है। तो आज वो अपलोडिंग हो जाएगा और जो मैं अभी जो ब्लॉग बना रही हूँ वो कल अपलोड होगा, यानी कि मंडे। तो अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ गो एंड चेक दिस आउट। तो मैं ऊपर कार्ड लगा दूँगी तो आप देख लेना। तो आज का दिन बस मैंने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो ब्रेकफास्ट में मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है कि मैंने क्या खाया है, तो बहुत हैवी ब्रेकफास्ट हुआ है। तो फ़िलहाल तो ऐसे ही चल रहा है। तो मेरी श्री अभी मैं वीडियो अपलोडिंग कर रही थी इसीलिए वो बड़े डिस्टर्ब करती है, तो मैंने उसे कार्टून लगा दिया है, उसका चैनल ओडियन चैनल का नाम है और उसमें मोटू पतलू बोल के जो कार्टून आता है वो लगा दिया, क्योंकि उसका वो फेवरेट कार्टून है, वो हमेशा उसे कभी मिस नहीं करती है जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो चलो देख लेते हैं वो क्या कर रही है। तो तो देखिए कितने मज़े से ये कार्टून देख रही है, ये रहा उसका कार्टून चल रहा है निकोलोडियन बन यानी निक, और वो देख रही है। श्री हेलो बोलो, तो आप सभी को उसने हेलो बोल दिया है। और फिलहाल बस अभी के लिए इतना ही, और फिलहाल मैं भी जाऊंगी लंच बनाने के लिए। देन लंच बनने के बाद एज यूजल आपको पता है मैं 12 बजे तक मेरा लंच कम्प्लीट हो जाएगा बनाना, एंड उसके बाद आपसे मिलती हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, तो मेरा लंच पूरा कंप्लीट बन चुका है, अब मैं जा रही हूँ नहाने, और अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो नहा के आने के बाद पूजा करके उसके बाद में क्या लंच करते हैं तो मैं उसके बाद आपको वीडियो दिखाती हूँ। देन तो मेरा लंच हो चुका है, हम सभी ने लंच कर लिया है। अब मेरा सबसे बड़ा काम ये है कि मुझे अपनी बेटी को सुलाना है। वो अगर आज वो बहुत सुबह सुबह उठ चुकी है मेरे साथ ही, 5 बजे उठ गई थी, उसके बाद फिर मैंने उसे बहुत मुश्किल से 6:30 के नियर अबाउट सुलाया, तो 6:30 में सोई तो 7 o'clock खुद से उठ गई। तो अभी मेरा मेन टारगेट वही है कि उसे सुलाऊं, क्योंकि अभी वो सोना नहीं चाहती, कह रही है कि मुझे कार्टून देखना है इन्हें और कंप्यूटर में उसे वीडियोस देखने हैं, तो इस मैं नहीं दिखाना चाहती, बट वो मान ही नहीं रही। और देखिए क्या कहा कर रही है, पूरे सब चीज़ इधर से उधर कर रही है। ज़रा मैं उसका एक्टिविटी दिखाती हूँ वो क्या कर रही है, घर को पूरा गंदा करने के पीछे पड़ी हुई है, रुकिए मैं बताती हूँ। देखिए पूरी चीज़ें क्या कर रही है वो, क्योंकि मैंने उसको मना कर दिया कि तुझे सोना है और वीडियो कर। श्री श्री एरकम करते ने, चलो घूमो वो, चलो ऐशो ऐशो श्री ऐशो कोले ऐशो, सबाई के हेलो बोले दाओ। तो ज़रा मैं उसे शांत कर देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बड़े मुश्किल से मैं उसे लेके आई हूँ और अभी फ़िलहाल मैं उसे सुलाऊंगी। सबाई के हेलो बोले दाओ, तो सुना हेलो बोले दाओ, सुना हेलो बोले दाओ, तो बड़ी मुश्किल से वो जाके सोई है, तो अब मैं रिलैक्स हूँ क्योंकि उसे सुलाना भी मेरे बस बहुत मुश्किल पड़ा क्योंकि सुलाने में। तो अगर आपके बच्चे भी ऐसा कुछ करते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन बिलो,
और वैसे भी आज मेरी मतलब श्री वैसे तो बहुत शांत स्वभाव की है, बट अगर उसे गुस्सा आ जाए तो बस फिर तो देखने को ही बनता है। तो आपने देखा कि उसे गुस्सा आने से वो घर की कोई चीज़ नहीं रखती, सब कुछ फेंक देती है, मतलब उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तो उसे गुस्सा तभी आता है कि अगर उसे कुछ करना है और मैं उसे मना करूँ। तो मैंने नोटिस किया है कि एक दो बार मना करने से उसे कुछ नहीं होता, बट अगर मैं बार बार उस चीज़ को मना करूँ तो उसे गुस्सा आता है। जैसे सुबह वो मुझे कह रही थी कि उसे किंडर जॉय खाना है, तो मैंने कहा नहीं अभी तुमने ब्रेकफास्ट किया, अभी किंडर जॉय खाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने उसे किंडर जॉय नहीं दिया। और फिर दोपहर को जब हम लंच कर रहे थे तब उसने कहा कि उसे चॉकलेट खाना है, तो मैंने कहा पहले लंच कर लो उसके बाद खा लेना। तो उसके उसे लंच करने के बाद जब मैं उसने मुझसे बोला कि उसे मुझे चॉकलेट दो, तो मैंने कहा कि अभी तो लंच किया है, चॉकलेट शाम को खाना, तो मैंने उसे मना कर दिया। उसके बाद उसे वीडियो देखना था तो मैंने उसे मना कर दिया। तो ये सब मनाई करी जा रही थी तो उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि बस उसने तो सब चीज़ें ही फेंकना शुरू कर दिया। तो अब उसे इसीलिए सब सुला दिया, जब सो के उठेगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो बस इतना ही। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, तो आपसे भी से मैं शाम को मिलती हूँ या थोड़ी देर बाद मिलती हूँ सो के उठने के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मैं सो के उठी थी, 4:15 बज रहे थे तब उठी थी। उसके बाद मैंने डाइनिंग में श्री ने जो भी सामान बिखेर के रखा था मैंने उसे ठीक किया है, डाइनिंग को थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर दिया है, और श्री अभी भी सो रही है। तो वो उठने के बाद मैं उसे पार्क में ले जाऊंगी, और उसकी उसका एक दोस्त है वो भी छुट्टी मना के आ चुके हैं, तो उससे भी मिलने के लिए मैं उसे लेके जाऊंगी। तो फ़िलहाल बस इतना ही मुझे आप सबको बताना है। तो श्री उठ चुकी है सो के, तो अभी वो फ़िलहाल दूध पी रही है, तो मैं ज़रा उसे दिखाती हूँ वो क्या कर रही है। तो ये रही श्री। श्री हेलो बोले दाओ, हाय करे दाओ, हाथ दिखी दाओ। तो देखा वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, सो के उठ के वो नॉर्मल हो चुकी है। तो अभी वो दूध पिएगी, तो उसके बाद मैं उसे पार्क में लेके जाऊंगी। तो चलो पार्क में अगर वीडियो बन सके तो ज़रूर बनाऊंगी, नहीं तो मैं रिटर्न आने के बाद आपसे बात करती हूँ। तो हम पार्क के लिए निकल चुके हैं, और यहाँ से पास ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 5 मिनट का ही रास्ता है। तो ये हम पहुँच चुके हैं पार्क में। तो छोटा सा पार्क है, हमारे कंपाउंड के अंदर छोटा सा पार्क है, इसी में बहुत बच्चे आते हैं। अभी फ़िलहाल हम बहुत पहले पहुंच चुके हैं इसलिए ज़्यादा बच्चे नहीं आए हैं, तो देखते देखते ही सारे बच्चे आ जाएंगे। श्री हाय बोले दो, हाय इधर ताकि ये हाय। चलो मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करती हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड। तो पार्क से आने के बाद मैंने आपको बताया था कि श्री का जो फ्रेंड है वो छुट्टियां मना के रिटर्न आ चुके हैं, तो उनके घर चले गए थे। तो वहां से आने के बाद हमें बहुत लेट हो गया था, तो मैंने जल्दी से आते ही डिनर बनाया, उसके बाद हमने खा लिया है। अभी तक मैंने अपना फेस भी वॉश नहीं किया है, तो मुझे लगा पहले ब्लॉग को ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपना ब्रश करूँगी एंड देन फेस वॉश करना है। सो यहीं पे मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो ब्लॉग को प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई क्वेरीज या कुछ पूछना चाहते हैं या इसी टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।